जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के अंडर में जितनी भी MH हैं, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल, उनमें निकली वैकेंसीज के बारे में। तो ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रुप सी की हैं, और कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करनी है, एप्लीकेशन फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, जो भी इस भर्ती से संबंधित आपके लिए जानकारी देना चाहिए, मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पैरा नंबर वन पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन, यानी कि ऑल इंडिया भर्ती है ये। आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट एज इंडिकेटेड बिलो। तो यहां पर ये जो नीचे पोस्ट दी गई हैं, इनके लिए पूरे इंडिया से जो है दोस्तों वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी जो एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी इसमें मांगे जाएंगे, उन सभी के लिए आपको एप्लीकेशन के साथ में भेजना है। ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। और आपके लिए दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो कहाँ भेजनी है, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड BOO होता है दोस्तों, बोर्ड ऑफ ऑफिसर वन, ठीक है। तो हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड ब्रैकेट में लिखना होगा आपको BOO-1, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद में मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर MP, पिन कोड है इसका 482001। विथ इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इस पते पर आपके लिए जो है वो अपनी एप्लीकेशंस भेजनी है, और डेट लास्ट डेट कब है आपकी, मतलब 18 तारीख को ये न्यूज़पेपर जो है वो 18 जून के लिए पब्लिश हुआ है, तो 18 जून के 45 दिन के बाद में। तो ये 45 दिन होते हैं दोस्तों 2 अगस्त तक। तो मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो 2 अगस्त से पहले मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर में पहुंच जानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पोस्ट पर और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, उनका पे लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप यहां पर है कुक की भर्ती, जो कि MH फैजाबाद में है, ठीक है। तो MH फैजाबाद में कुक की भर्ती है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2। उसके बाद में कुक की भर्ती फिर से आई दोस्तों, MH गया में है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद में कुक की भर्ती एक फिर से है जो कि है MH नामकुम, ठीक है। तो कुक के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल दी गई है, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों नंबर 1 में आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपके ट्रेड में जो है वो नॉलेज होना जरूरी है, जिसका आपसे प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा रिटन एग्जाम के बाद में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों नीचे तक, ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो हैं वार्ड सहायिका की। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया ऑल क्लास, मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं आप इन भर्ती में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी दोस्तों वैकेंसी हैं जो यहाँ से लेके और यहाँ तक और भी नीचे तक है, ये पूरी की पूरी दोस्तों फीमेल के लिए हैं, जो कि वार्ड सहायिका की भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर 161 MH, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में 5 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में बेस हॉस्पिटल लखनऊ में है दोस्तों आपकी 4 वैकेंसीज, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में है 15 वैकेंसीज वार्ड सहायिका की। उसके बाद में दोस्तों MH आगरा में है 2 वैकेंसीज, MH इलाहाबाद में है 8 वैकेंसीज, MH बरेली में है 1 वैकेंसी। उसके बाद में MH दानापुर में है 5 वैकेंसीज, MH देहरादून में है 4 वैकेंसीज, MH फैजाबाद में है 4 वैकेंसीज, और MH फैजाबाद में 1 वैकेंसी कुक की भी है, ठीक है। MH फतेहगढ़ में है 1 वैकेंसी, MH गोपालपुर में 1 वैकेंसी, MH लैंसडाउन में 1 वैकेंसी, MH मथुरा और MH मेरठ में है 5 और 9 वैकेंसी, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों ये पूरी वैकेंसीज की डिटेल जो है वो दी गई है। तो इस नोटिफिकेशन के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुक
और वार्ड सहायिका के लिए जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो अगर आप मेल हैं तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल जो है वो कुक के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है आर्मी के अंदर, और आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी वो आर्मी के अंदर ही हैं, आर्मी के जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं उनमें आपके लिए जो है वो सर्विस करनी होगी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के अंदर में जितने भी MHS हैं उतनी ये वैकेंसीज हैं, तो टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों यहाँ पर 88, ठीक है, 88 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है इनका सभी का, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, इसको ये जो नोटिफिकेशन है आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब आती है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको नंबर वन बता ही चुका हूँ कि 18 जून के बाद में 45 दिन तक आप अपने जो एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हैं, तो 45 दिन हो रहे हैं आपके 2 अगस्त तक, तो आपकी एप्लीकेशन 2 अगस्त से पहले MH जो ऊपर दिया गया है वहाँ पर पहुँच जानी चाहेंगे, जो कि मैंने आपको पता बताया उस पते पहुँच जानी चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट इंक्लोज सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ एड्रेस्ड इन्वॉल्व एंड फी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ कमांड हॉस्पिटल जबलपुर। तो कमांड हॉस्पिटल कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर के फेवर में आपके लिए ₹100 का जो है वो फी भी देनी होगी आपके लिए एप्लीकेशन फी, और बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप हमसे टेलीग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। लेकिन इसमें दोस्तों सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो वार्ड सहायिका की जो वैकेंसीज हैं इसमें आपकी 18 से 25 साल एज ली जाएगी, और सेम आपके लिए दोस्तों 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक्सपीरियंस एज दाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन ट्रेड ऑफ दाई इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपके लिए क्या है 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूरत होगी किसी सिविल हॉस्पिटल से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो कि आपके लिए होना जरूरी है वार्ड सहायिका के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, प्लस आप 10th पास होना जरूरी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।